ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवदास पर जानलेवा हमला किया गया। आपको बता दें कि ब्रज राजनगर में एक एएसआई ने उन पर फायरिंग की। नवदास के सीने में 4 से 5 गोलियां लगी हैं, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें भुवनेश्वर के लिए एयरलिफ्ट किया गया। यहाँ भी एम्बुलेंस तैयार है। भुवनेश्वर पहुँचते ही स्वास्थ्य मंत्री को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। क्राइम ब्रांच ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। उधर पुलिस ने फायरिंग करने वाले एएसआई को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ जारी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि नवदास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ ब्रजराजनगर पहुंचे थे, और कार से उतरते ही एक एएसआई गोपाल दास ने नवदास पर 4 से 5 राउंड गोलियां चलाईं।